हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। दिस इज मी श्वेबी, वेलकम बैक टू श्वेबी सईद ब्लॉग। मैंने आज नाश्ता नहीं किया सुबह उठ के, क्योंकि यार सुबह उठ के दिल ही नहीं करता नाश्ता करने का, मजबूरन कर लेता हूँ, लेकिन आज मैंने नाश्ता नहीं किया। मैं जा रहा हूँ अभी किसी काम से, फिर 1:30 बजे आऊँगा और फिर वीडियो अपलोड करूँगा। अभी आया हूँ काम से सारी ऊपर, अब करता है जल्दी से लैपटॉप में वीडियो अपलोड। और 2 बज रहा, अब मैं जा रहा हूँ जल्दी से खाना नहीं, वो मेरे लिए नाश्ते ही, जा रहा हूँ जल्दी से नाश्ता कर लिया और अब मैं जा रहा हूँ सीधा दुकान। टाइम हो रहा है 2। अभी मैं आया हूँ अपना हेयर कट करवाने, अब जल्दी से करवाता हूँ अपना हेयर कट। हेयर कट करवा कर आ गई हूँ, अब मैं चलता हूँ जल्दी से नहाने और फ्रेश होकर, फिर तो मैं फ्रेश वगैरह होकर अब चलता हूँ जल्दी से दुकान, देखूँ क्या काम है। और आज तो कॉलेज की छुट्टी है। अभी मैं हेयर कट वगैरह करवा के पारी हूँ तो दुकान आया, तो ये आया मेरा दोस्त दानियल बिरयानी खिलाने। और दानियल भाई बिरयानी खिला रहे ना, पिछले हफ्ते इसी के साथ प्रैंक हुआ था, इसको मैंने बिरयानी नहीं खिलाया था, तो अभी आया, ये बोला मैं बिरयानी खिला रहा हूँ और ये पैसे भी यहीं देगा, सही है ना। ये अभी सिर्फ ब्लॉग में बोल रहा है, ठीक है, लेकिन पैसा मुझे ही देना पड़ेगा, लेकिन देगा आज ये, क्योंकि ब्लॉग में मैं ज़रूर दिखाऊंगा पैसा देते। तो यार देखो कितना हसीन लग रहा हूँ, शेप बनाया हूँ, बाल बाल कटवाया हूँ, रिबॉन्डिंग करवाया है। राजन भाई आप कुछ कहना चाहिए? यार कुछ ना कुछ सीन तो क्रिएट हो ही जा रहा है। हम लोग जा रहे थे बिरयानी खाने, लेकिन उसके घर से कॉल आ गया, कोई मसला हो गया, तो वो वापसी घर चले गया। पता नहीं यार किसकी नज़र लग गई है, पिछले संडे मैंने उसके साथ प्रैंक कर दिया और आज मेरे साथ प्रैंक हो गया। लेकिन यार घर वालों को भी तो देखना पड़ता है ना। हम लोग बैठे हुए थे, जैसे ही जाने लगे उसके घर से कॉल आ गया, कहा कि जल्दी आओ कुछ मसला हो गया, तो वो वहाँ चले गया। चलो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी ज़रूर जाऊँगा उसके साथ, ये डन है। तो अभी मुझे कुछ काम करना है, तो अब जल्दी से मैं जा रहा हूँ अपना कुछ काम वगैरह करके फारिग होता हूँ। और हाँ एक और बात मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि मैं एक पॉडकास्ट करने वाला हूँ, बड़ा ज़बरदस्त होगा इंशाल्लाह। उसमें मेरे कुछ गेस्ट होंगे जो मेरे अपने दोस्त हैं, उसमें आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताई जाएंगी जिससे आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा होगा, और उसमें कुछ इंजॉय भी करूँगा अपने दोस्तों के साथ। तो इंशाल्लाह वो पॉडकास्ट भी बहुत जल्दी आने वाला है, लेकिन अभी हम लोग कुछ सेटिंग वगैरह कर रहे हैं उसके लिए, तो इंशाल्लाह वो पॉडकास्ट भी बहुत जल्दी आएगा। और मैं आप लोगों को ये भी दिखाऊंगा कि मेरा किस जगह बैठना उठना है, क्या रहन सहन है, अपने दोस्तों के साथ मेरे दोस्त सारे कैसे हैं, वो भी आप लोगों को इंशाल्लाह इसी पॉडकास्ट में पता चलेगा। और उसमें काफ़ी सारी अच्छी स्टोरी होगी, ठीक है, जो होता है ना आजकल के शेर व शायर जो होते हैं, तो इंशाल्लाह उस हवाले से भी आप लोगों को काफ़ी बताया जाएगा और काफ़ी इंजॉय करवाएंगे एक एक शेर। माशाल्लाह मेरे काफ़ी जो दोस्त हैं जो गेस्ट आएंगे वो लोग काफ़ी टैलेंटेड हैं, काफ़ी सारी ये लोग शेर व शायर लिखते हैं अपनी खुद, तो इंशाल्लाह वो पॉडकास्ट भी बहुत जल्दी आने वाला। तो यार मैं आया हूँ टेरिस पे, मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है, मैंने बोला चलो आज छुट्टी है तो थोड़ा कर लूँ इंजॉय। आज का मौसम भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है, ही खूबसूरत है। तो काफ़ी देर से मैं बैठा हुआ था, कुछ अपना काम कर रहा था इधर ही ऊपर बैठ के, तो अब मैं जा रहा हूँ नीचे, देखता हूँ फिर कहाँ जाना है। दोस्त को भी कॉल किया हुआ है, एक तो प्रोग्राम मिस हो गया, अब दूसरा देखो क्या बनता है। अब सीधा शॉप का टाइम हो गया, अब चलते हैं सीधा शॉप, क्योंकि पापा इंतजार कर रहे हैं, अभी लेट हो गया, पापा मारेंगे चमड़। तो ये दयान क्यूटी आ गए, आज जिनके पापा की छुट्टी थी संडे था, तो आज ये आए हैं दोबारा घर पे। और एक और आए, इसकी हरकत चेक करो, उठो उमर, मामू उतार देंगे। तो यार चलो आज का व्लॉग फिर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब ठोको। आप लोगों का तो पहले इतना शुक्रिया अदा कर चुका हूँ, क्योंकि 1K+ सब्सक्राइब कर दिया था। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, दुआओं में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।